बब्लू डब्लू पार्क में क्लास चल रही है। कोच डमरू एक खास असाइनमेंट की योजना बना रहे हैं। बच्चों, आज हम सब मिलकर एक छोटा सा प्रदर्शन करने वाले हैं। कैसा रहेगा अगर हम खेलों के बारे में करें तो? एक छोटी सी स्क्रिप्ट और उसकी परफॉर्मेंस, क्या ख्याल है तुम सब? चलो करते हैं। चलो चले। राजकुमार लल्लू, हमें क्या करना चाहिए? मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं। पहले एक छड़ी की ट्रिक देखो। एक दो वका। अगर कोई प्रेस हुआ तो हम जरूर जीतेंगे मुन्ना। Oh!
स्टेप सीख रहा था। ये देखो, तुमने कभी जिंदगी में ऐसा स्टेप देखा है? लल्लू, तुम शायद बीमार हो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शो शुरू होने वाला है। क्यों कर रहा है? ना चलो चलते हैं, ये चमकने का समय ठीक है। ललू और मन्ना अगले परफॉर्मर है। राजकुमार लल्लू, मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। राजकुमार लल्लू, क्या शो खत्म हो गया? मुझे कुछ नहीं पता। राजकुमार लल्लू, क्या हुआ? मैं परफॉर्म करने जाता था। राजकुमार लल्लू, लल्लू लल्लू, वो क्या था? लल्लू, तुम्हें क्या हो गया है? मैं चाहता था कि मेरा शो बेहतर हो, इसलिए मैंने पब्लिक के स्टेप सीखे, पर मैं वो स्टेप सही कर पाया, मैंने शो खराब कर दिया। तो ऐसा हुआ था? इसलिए तुम ऐसी हरकत कर रहे थे? हाँ, सच में। मुझे लगता है कि मैं तुम सबके लिए मजाक बन गया। लल्लू, दूसरों से सीखना अच्छी बात है बच्चे, लेकिन तुम्हें वो सीखना चाहिए जिसकी तुम्हें जरूरत है, नहीं तो तुम मूर्ख दिखोगे। ठीक है लल्लू, मुझे लगता है तुम्हारा शो मुझसे ज्यादा अच्छा था। छड़ी के साथ तुम्हारी वो अतरंगी चाल, सब कुछ बहुत अच्छी थी। क्या तुम्हें मेरे स्टेप्स पसंद आए? हाँ। राजकुमार लल्लू फिर से करते हैं, मुझे यकीन है कि हम अच्छे से करेंगे। बब्लू डब्लू पार्क के बच्चे आज बहुत ही खास सबक सीखने के लिए तैयार हैं। चलिए देखते हैं। लल्लू, जब तक तुम्हारे माता पिता शहर से बाहर हैं, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तो क्लास के बाद मुझे मिलो, हम दोनों साथ घर चलेंगे। ठीक है मिस्टर बंता, बाद में मिलते हैं। बाय। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मिस्टर बनर्जी। आज की क्लास में हम नाम का खेल खेलेंगे। हाँ? नामों के बारे में? बच्चों, क्या तुम लोगों को पता है कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा ये नाम क्यों चुना? मिस्टर बनर्जी, मैं बताऊँ, मम्मी ने मेरा नाम छोटे रखा क्योंकि मैं छोटू शैतान हूँ और प्यारा भी। उनके हिसाब से मेरा नाम छोटे होना चाहिए था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा नाम है। मैं बड़े हूँ। मम्मी कहती है कि उन्होंने मेरा नाम बड़े रखा क्योंकि मैं
कहानी है बड़े। ठीक है, और कोई? मिस बनर्जी, मेरा पूरा नाम है निकेश सुमन। इसका मतलब होता है लोगों को बचाने वाला। निकू मुझे इसलिए बुलाते हैं क्योंकि ये बहुत आसान है। निकू, जंगल में यहाँ कभी कभी निकू का मतलब होता है गंजा, पर तुम्हारे तो बाल है। हाँ पता है। तुम जानते हो, कुछ जानवरों ने मुझे ऐसा बोला जो तुम बोल रहे हो, पर मैं बता दूँ, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरे पास तो बाल है। मेरी बारी। मेरी माँ जानती थी कि मैं बड़ा होकर स्वस्थ रहूँगा और खूब जीऊँगा, इसलिए मेरा नाम आयुष्मान रखा। ललू, तुम्हारे नाम की क्या कहानी है? मेरा नाम रिंकी रखा। बता दो तुम, पर वो एक राज है। मेरा ये नाम कैसे पड़ा? मैंने कभी मम्मी पापा से नहीं पूछा। राजकुमार लल्लू, राजकुमार लल्लू, क्या तुम खेलना चाहोगे? मुन्ना इधर आओ। तुम्हें मुन्ना क्यों बुलाते हैं? क्या तुमने कभी मम्मी पापा से पूछा? मैंने एक बार पूछा था। मेरे मम्मी पापा ने कहा जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे सर पे नन्हे मुन्ने सिंह थे, तो मेरा नाम मुन्ना रखा। उन्होंने कहा मुन्ना का मतलब किस्मत वाला। मुन्ना का भी नाम कितना अच्छा है, पर ये गलत है। लालो लालो, मेरे नाम का मतलब क्या है? चिढ़ाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भी नाम बकवास ही है। मिस्टर बंता, मेरे मम्मी पापा वापस कब आ रहे हैं? मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वैसे लल्लू, मैं सच में नहीं जानता। अगर इतना ही जरूरी है तो तुम उन्हें खत लिख सकते हो, फिर वो तुम्हें जवाब दे देंगे। ये बढ़िया है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? वो सब ठीक है, पर तुम लिखना क्या चाहते हो? मुझे जानना है उन्होंने मेरा ये नाम क्यों रखा। ये सब वहाँ क्या कर रहे हैं? देखो मैंने क्या ड्रॉ किया है। छोटे लाजवाब। ये देखो, ये मैं हूँ और ये हूँ मैं, शांत और प्यारी सी रिंकी। मेरा भी देखो, मेरा भी देखो। ये है अपने सिंगों के साथ। मुन्ना, बड़े सिंगों के साथ। तुम्हारे नामों से हमारा मतलब निकलता है। लल्लू, तुमने कुछ भी नहीं बनाया, आओ और बनाओ। मुझे सोचना होगा। पर क्यों नहीं? क्योंकि क्योंकि मैंने नया नाम रखने का फैसला किया है। बिल्कुल सही, और मैं ऐलान करता हूँ मेरा नया नाम होगा और वो होगा वैसे तो मैं इतना तेज हूँ और इतना प्यारा भी, और मैं ऐलान करता हूँ मेरा नाम है आयुष्मान। ठीक है बच्चों, आज हम आर्ट के बारे में सीखेंगे। कौन कोशिश करेगा? आयुष्मान को मौका देते हैं। ठीक है। लल्लू, मिस बनर्जी ने मुझे चुना है। लल्लू, आयुष्मान के साथ साथ तुम क्यों कोशिश नहीं करते? क्योंकि मैंने नाम बदल लिया है, मैं भी आयुष्मान हूँ। और ये कैसे हुआ? अगर मैं आयुष्मान नहीं हो सकता तो नया नाम मुझे फिर से सोचना होगा। राजकुमार लल्लू, केला खाओ। शुक्रिया मुन्ना। ये कितना स्वादिष्ट है। सच में मुझे केला सबसे ज्यादा पसंद है। और मुझे मिल गया, मैं हूँ राजकुमार। ना ना आऊं ना ना, अच्छा नाम है।
मम्मी पास करो। सुनो मेरे दोस्तों, आखिरकार मुझे मेरा नया नाम मिल गया। मैं हूँ राजकुमार नाना। ना, हो नाना। हेलो दोस्तों, क्या किसी ने मुझे बुलाया? मेरा नाम नाना है। मैं भी नाना हूँ। और मैं भी नाना हूँ, समझे तुम? हमारी फैमिली नाना है। मेरी आंटी नाना है, मेरा पूरा परिवार नाना है, मेरी माँ नाना है। यहाँ पर तो सभी का नाम सही नहीं है, मैं ये नाम नहीं रख सकता। मुझे अब सही में बहुत अलग नाम रखना होगा, ऐसा नाम जो किसी का भी नहीं है। मुझे पेड़ बहुत पसंद है, पाइन ट्रीज। मुझे तो बादल भी बहुत पसंद है, बड़े बड़े बादल। इन सभी चीजों की मदद से मैं नया नाम रखूंगा। रिंकी हटो यहाँ से। लल्लू, मुझे इसकी जरूरत है अपना नया नाम लिखने के लिए, तैयार हो जाओ। नया नाम? सुन तो इधर आओ, राजकुमार लल्लू ने एक नया नाम रखा है। देखो तो सही। और ताज। तो मेरा नया नाम तुम्हें कैसा लगा? क्या थोड़ा और लंबा नहीं हो सकता? लल्लू, लल्लू चलो बॉल से खेलते हैं। बड़े, पहले तुम्हें मेरे नए नाम से मुझे बुलाना होगा। पेड़, मुन्ना, फूल, सेब। सही नहीं है, दोबारा बोलो। फूल। ये और भी बकवास है। मुन्ना ड्राइंग, पेड़, मुन्ना, फूल, ओ नहीं नहीं नहीं, केला, सेब, ये सही नहीं है। मुन्ना, फूल, केला, ओ, 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 बड़े क्या तुम ठीक हो? उठो भाई। ये नया नाम भी काम नहीं आ रहा। आखिर लोग मुझे बुलाएंगे कैसे अगर मेरा नाम नहीं होगा तो? हे, चलो बॉल से खेलते हैं। हे, चलो चलकर शहद खाते हैं। हे, सुनो, क्या तुम्हें कुछ फल चाहिए? मेरा नाम है नहीं है। लल्लू, तुम्हारे माता पिता का खत आया है। मिस्टर बंता, मेरे लिए इसे पढ़ो ना। लल्लू, तुम्हारा नाम बहुत खास है। जब तुम पैदा हुए तो ये जंगल पूरी तरह फलों से भरा हुआ था, सब लोग बहुत खुश थे। हम तुम्हें लल्लू बुलाते हैं क्योंकि इसका मतलब बहुत खुशहाली है। ये बहुत बढ़िया है, मुझे नहीं पता था मेरे नाम का मतलब इतना अच्छा है। शुक्रिया मिस्टर बंता। लल्लू, लल्लू मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुम्हारे साथ अपना नाम बांटूंगा तो तुम्हें नाम ढूंढने की जरूरत नहीं। शुक्रिया बड़े, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं लल्लू ही रहूंगा क्योंकि मेरा नाम सब नामों से अच्छा है। देखते हैं बब्लू डब्लू पार्क में आज क्या होने वाला है। उठो बड़े, हमें स्कूल जाना है, जल्दी करो, हमें देरी हो रही है। चलो बड़े, मम्मी ने कितनी बार बोला है कि सोने से पहले अपना बैग पैक करना चाहिए, तुम्हें याद क्यों नहीं रहता? Oh, my God.
हो बच्चों? हम अच्छे हैं। तुम दोनों स्कूल देर से आए हो, कोशिश करना कि अगली बार टाइम से आओ। हाँ, हम वादा करते हैं। तो ठीक है, जल्दी जाओ तुम दोनों। शुक्रिया मिस्टर बंता। शुक्रिया। चलो बड़े। जाओगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या मैं सच
सच में। मैं कल फिर मिलूंगा। बाय निकू। अरे मैं आ गया, तुम कहाँ पर हो? बड़े निकू, क्या तुमने बड़े को देखा? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी तुम्हें जाते हुए देखा था। हाँ, मंगू की बॉल पेड़ पर अटक गई थी तो मैं उसको निकालने में उसकी मदद कर रहा था, इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई। बड़े कहाँ है? मुझे लगा तुम जा चुके हो, तो मैंने कहा तुम्हें दौड़ कर पकड़े। क्या बड़े? बड़े जरूर तेज भाग रहा होगा। मैं बस पहुंच ही गया, पर मुझे छोटे क्यों नहीं दिख रहा है? क्या वहाँ कौन है? छोटे, तो तुम यहाँ हो? मैं एक ताकतवर भालू हूँ। बड़े, मुझे दूर रहो, मुझे दूर रहो। बस एक छोटी सी चिड़िया, मुझे डर नहीं लगा। चलो चलता हूँ। बहुत बढ़िया मेरे भाई। मुझे भूख लग रही है। बढ़िया, मेरे लिए बड़ा सेब। वो क्या? मेरा होमवर्क। बड़े, क्या तुम्हें जवाब पता है? मैं इन कंकड़ों का इस्तेमाल सेब की जगह। तो बताओ, चार में एक और सेब जमा किया तो? एक, दो, तीन, तुम कर सकते हो। चार और एक और, एक दो तीन चार पाँच, मुझे पता था वो कर सकता है। अंधेरा हो रहा है, अब मुझे जाना चाहिए। छोटे, छोटे, मैंने सब खुद किया और मैं मैच भी कर सकता हूँ। वो कहाँ है? ठीक तुम्हारे पीछे। छोटे, तुम मेरे पीछे हो? मुझे लगा तुम पहले ही घर आ गए।